उनका सहयोग बहुत ही गर्मजोशी से भरा हुआ है। जैसा उन्होंने कहा, वाइब्रेंट गुजरात समिट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियों और अनुभव साझा करने का ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गई है। इस समिट में भी भारत और यूएई ने फूड पार्क्स के विकास के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए, इनोवेटिव हेल्थ केयर में निवेश के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। भारत के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएई की कंपनियों द्वारा कई बिलियन डॉलर के नए निवेश पर सहमति बनी है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा गिफ्ट सिटी में ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे। ट्रांसवर्ल्ड कंपनी यहां एयरक्राफ्ट और शिप लीजिंग एक्टिविटीज भी शुरू करने जा रही है। भारत और यूएई ने जिस तरह अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी है, उसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद को जाता है। फ्रेंड्स, मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट हिज एक्सलेंसी न्यूसी से कल भी मेरी बहुत विस्तार से बात हुई है। उनके लिए तो गुजरात आना पुरानी यादों को ताजा करने जैसा है। प्रेसिडेंट न्यूसी आईआईएम अहमदाबाद के एल्यूमनाई है। भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारी G20 प्रेसिडेंसी में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिली। प्रेसिडेंट न्यूसी की भारत यात्रा से हमारे संबंधों को तो बल मिला ही है, भारत अफ्रीका के बीच घनिष्ठता और बढ़ी है। साथियों, चेक के प्रधानमंत्री हिज एक्सलेंसी पेत्र फियाला जी की ये पहली भारत यात्रा इस पद पर है। वैसे वो भारत पहले भी आए हैं। चेक लंबे समय से वाइब्रेंट गुजरात समिट से जुड़ा हुआ है। भारत और चेक के बीच टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। हिज एक्सलेंसी पेत्र फियाला, मुझे विश्वास है आपकी इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे।